और इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर आपको बता दें देहरादून से, जहां पर आपको बता दें देहरादून यानी उत्तराखंड की पहली मेयर और राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल का निधन हो गया है। आपको बता दें काफी समय से ये बीमार थी और गुड़गांव में इनका इलाज चल रहा था, तो बीमारी के दौरान इनका निधन हो गया। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड की पहली मेयर और राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा का इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें काफी समय से बीमार चल रही थी और गुड़गांव में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान आज उनका निधन हो गया है। उत्तराखंड की पहली मेयर रह चुकी है ये मनोरमा डोबरियाल शर्मा, तो राज्यसभा सांसद भी रह चुकी हैं और आज उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें कि काफी समय से वो बीमार चल रही थी और इसी बीमारी के चलते गुड़गांव में उनका निधन हो गया। तो पहली मेयर थी उत्तराखंड की मनोरमा डोबरियाल, राज्यसभा सांसद भी थी और आज उनका निधन हो गया है। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रही थी। तो आपको बता दें ये देहरादून की पहली मेयर थी मनोरमा डोबरियाल शर्मा, जिनका आज निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और बीमारी के चलते वो गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा था, आज के दौरान ही उनका निधन हो गया। तो देहरादून की ये पहली मेयर थी और इसके अलावा वो राज्यसभा सांसद भी थी। कांग्रेस नेता है मनोरमा डोबरियाल शर्मा, जिनका आज निधन हो गया है। तो काफी लंबी बीमारी से चलते आज उनका निधन हो गया है। इलाज चल रहा था गुड़गांव में, इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां देहरादून की पहली मेयर और राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा का इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें काफी समय से बीमार चल रही थी और गुड़गांव में उनका इलाज भी चल रहा था, तो इलाज के दौरान ही तबियत अस्थिर हो गई और उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून की पहली मेयर और राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल शर्मा का इलाज के दौरान निधन हो गया। आपको बता दें काफी समय से वो बीमार चल रही थी, इलाज चल रहा था उनका गुड़गांव से और इलाज के दौरान ही कांग्रेस नेता मनोरमा डोबरियाल का निधन हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विक्रम श्रीवास्तव देहरादून से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विक्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यसभा सांसद मनोरमा डोबरियाल का निधन किस बीमारी के चलते हुआ और कितने दिन से लगभग वो गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा था? जी हाँ, देखिए आज जो सुबह खबर आई कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए गुड़गांव में राज्यसभा सांसद का इलाज चल रहा था और उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो लगातार उत्तराखंड के लिए दूसरी दुखद खबर है। इससे पहले कैबिनेट मिनिस्टर की मृत्यु हो गई थी इलाज के दौरान और आज राज्यसभा सांसद है मनोरमा शर्मा डोबरियाल, उनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी दुखी खबर है। और जहाँ तक मनोरमा शर्मा के अगर इतिहास की बात की जाए तो उत्तराखंड में पहले से ही वो इतिहास बना चुकी हैं। यहाँ की पहली मेयर, महिला मेयर थी वो, और उसके साथ ही जो पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है वो भी वही थी। लेकिन जिस तरह से उनकी बीमारी थी और जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, वो अचानक से एक शोक की लहर आई है, क्योंकि पहले से नहीं लोगों को पता था कि मनोरमा शर्मा बीमार चल रही है और उनका इलाज जो है वो होने वाला है। तो कहीं ना कहीं कि ये बड़ी दुख की खबर है और उत्तराखंड में इस वक्त दूसरा जो बड़ा झटका उत्तराखंड को लगा है ये क्षतिपूर्ति काफी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक दुखद समाचार उत्तराखंड के लिए है। जी बिल्कुल, बेहद दुखद समाचार है। एक आपको बता दें कि मनोरमा डोबरियाल का निधन हो गया। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम। तो गुड़गांव में इलाज चल रहा था उनका, काफी लंबे समय से बीमार थी लेकिन इसी इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून के मेयर विनोद चमोली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से निधन हुआ, एक गहरा सदमे के तौर पर देखा जा रहा है उत्तराखंड के लिए, एक बड़ी खबर है, क्या कुछ देखा जा रहा है राजनीतिक गलियारों में? देखिए, ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा झटका है जी, और बड़ा दुखद है, क्योंकि ये अपेक्षा भी नहीं थी, क्योंकि न उनकी इतनी आयु थी और न ही उनकी ऐसी स्थिति थी जी। तो अचानक ये सूचना मिलने पर हम सब लोग काफी स्तब्ध हैं, और बहुत बड़ा एक राजनीतिक नुकसान हुआ है पूरे उत्तराखंड को, और वो तो यहाँ पर मेयर भी नहीं पहुंचते पहले। निश्चित तौर पर इसको मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी हानि भी समझता हूँ, और ये नगर निगम की हानि है, उत्तराखंड की जनता की हानि है। तो बड़ा कष्ट का समय हम लोगों के लिए है। बिल्कुल, एक जो क्षतिग्रस्त हुई है, पार्टी को एक क्षति पहुंची है, किस तरीके से उसकी भरपाई की जा सकती है अब अगर देखा जाए? देखिए, अब प्रकृति का नियम है, एक कष्ट सामने आया है, इससे उबरना तो पड़ेगा। सिर्फ मेरा यही कहना है कि परिवार को, से जुड़े हुए सभी लोगों को इस कष्ट को सहने की क्षमता भगवान प्रदान करे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपको।